हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स हॉट 30i में एक घंटे तक फ्री फायर प्ले करेंगे। बैटरी रन टेस्ट, हीटिंग टेस्ट वगैरह बताएंगे, कैसा FPS प्रोवाइड करता है एंड कौन से सेटिंग पे आपको बेस्ट एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करेगा। सो गाइस, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। बाय द वे, ये हमारे पास 8GB रैम यानी कि 16GB रैम वाला एंड 128GB वाला वेरियंट है। सो गाइस, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो सिंपली यहां से हम फ्री फायर में एंटर होते हैं। एंड गाइस, यहां पे मैं आपको सेटिंग में ले चलूँ। सो गाइस, यहां पे देख सकते हैं सभी सेटिंग्स हम फुल्ली मैक्स कर दिया, बट यहां पे हम प्ले करेंगे स्मूथ और हाई FPS बिकॉज़ ये प्रोसेसर में उतना पावर नहीं है कि ये अदर सेटिंग को हैंडल कर सके। बट इस सेटिंग पे कैसा परफॉर्मेंस देगा वो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा एंड बैटरी रन वगैरह तो आपको दिखाएंगे ही। सो गाइस, इसी सेटिंग पे हम प्ले करते हैं एंड देखते हैं इसकी कैसा यह परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। ओके गाइस, यहाँ से हम गेम सेलेक्ट कर लेते हैं एंड टेम्परेचर मेज़र कर लें। सो अभी 34.6 है रूम टेम्परेचर एंड फ़ोन की टेम्परेचर 37 है ऊपर से, एंड नीचे से देख सकते हैं 35.7 है। सो आफ्टर प्ले देखेंगे, बाकी टाइम देख सकते हैं 11:59 ऑलमोस्ट 12 बज चुका है एंड टाइम देख सकते हैं 54 पे है। तो देखते हैं आफ्टर प्ले। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे आ गए हैं फ्री फायर मैक्स में एंड गेम हमारा हो चुका है स्टार्ट। एंड दिस सेटिंग भाई बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इस सेटिंग पे आप इजीली मस्त गेमिंग कर सकते हैं। मतलब मैं अभी तक इन सभी प्रोसेसर को उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं किया था बिकॉज नाम ही सुन के मैं इससे दूर रहता था। सो नाउडेज आई मतलब कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ ये प्रोसेसर को। सो देख रहा हूँ कि इसमें अच्छा परफॉर्मेंस मिल रहा है एंड नॉर्मल यूज़ में भी अच्छा मिल रहा है। एंड रियलमी के फ़ोन्स मैंने देखा कि भाई उसमें जो प्रोसेसर अच्छा होने के बावजूद भी वो जिटर कर रहे हैं, लेकिन इस फ़ोन में भाई उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। बट इसमें परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिला है। सबसे अच्छी चीज़ की भाई ये नॉर्मल यूज़ में उतना जिटर नहीं करता जितना कि रियलमी नार्जो एन रियलमी C55 जिटर करता है। सो गाइस, यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा एंड नॉर्मल यूज़ में भी एंड परफॉर्मेंस के मामले में गेमिंग में भी ये अच्छा प्रोवाइड करता है। लाइक यहाँ पे अगर आप 60 FPS पे प्ले करेंगे भाई इजीली फील होता है कि 60 FPS ये फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा इस सेटिंग पे। स्पेशली अगर आप अल्ट्रा पे प्ले करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत जिटर देखने को मिलेगा बिकॉज प्रोसेसर में उतना ज़्यादा दम नहीं है इस वजह से। भाई गाइस, यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड स्पीकर भाई आपका काम चलने लायक है। HD+ डिस्प्ले है, 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया जो कि ठीक लगा मुझे। एंड इस डिज़ाइन तो इसका मुझे अच्छा लगा बैक से, बट फ्रंट से ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि यहाँ पे भाई होना चाहिए था पंच होल इस टाइम पे। बट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही सही है। 8GB रैम आपको देखने को मिल जा रहा है, 128GB स्टोरेज, बट इससे बेटर फ़ोन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ एंड वो है लावा ब्लेस्ड 2। उसका कैमरा मुझे उतना अच्छा नहीं लगा एंड इसका कैमरा थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू लावा ब्लेस्ड 2। बट यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी ठीक मिल जा रही है, लेकिन गाइस वही बात है कि इसमें चार्जिंग भी आपको स्लो मिलता है। भाई 10W का चार्जिंग देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेता है ये फ़ोन। सो ये एक मुझे सबसे बड़ी कॉन्स लगा, एटलीस्ट यहाँ पे 18W होना चाहिए था एंड दैट्स वाई आई कैन सजेस्ट लावा ब्लेस्ड 2, क्योंकि उसमें भाई आपको 18W का चार्जर देखने को मिल जाता है एंड ही कैन फास्ट चार्ज। सो वो आप ले सकते हैं, इससे बेटर है। और वहाँ पे भी आपको रैम वेरिएंट अच्छा देखने को मिल जाता है, 6GB 128GB इनफ है भाई नॉर्मल यूज़ के लिए एंड फ्री फायर एंड ऑल। सो वो फ़ोन मैं ज़रूर से सजेस्ट करूँगा इसके बदले। वहाँ पे भाई चीन थोड़ा सा जोड़ा लगता है, वहाँ पे दो मुझे डिसएडवांटेज लगे। फर्स्ट इज़ चीन एंड सेकेंड इज़ उसका कैमरा थोड़ा ज़्यादा ही वीक लगा। एंड इसमें भाई एक ही इसमें भी एक दो है, लाइक यहाँ पे पंच होल नहीं है, ये मैनेज किया जा सकता है। बट यहाँ पे आपको चार्जर भी फास्ट देखने को नहीं मिलता है एंड प्रोसेसर भी वीक है, तो इसमें दो तीन है। एंड सॉफ्टवेयर भी इसका उतना बेटर नहीं है जितना कि लावा ब्लेस्ड 2 का है। सो आई कैन सजेस्ट लावा ब्लेस्ड 2, यू कैन बाई ईजिली एंड यू कैन परफॉर्म, यू कैन प्ले गेम वेरी वेल। सो लावा ब्लेस्ड 2 इज़ द फर्स्ट ओपिनियन, यू कैन चूज़ दैट फोन।
एंड दिस इज द सेकेंड. बट ऑल्सो नाउ इट एज यू हैव सीन ऑलरेडी लाइक इन्फिनिक्स हॉट इन्फिनिक्स व्हाट्स द नेम ऑफ दिस डिवाइस इन्फिनिक्स नोट 12i. यस, उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है. उसमें आपको G85 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है एंड बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है. वहाँ पे बस एक ही है कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है. नहीं तो उसका एमोलेड डिस्प्ले है, डुअल स्पीकर है, 33W का फास्ट चार्जर है एंड कैमरा तो भाई बेस्ट है. 10,000 के अंडर कोई भी उसके कैमरा को बीट नहीं कर सकता. सो 9,000 में आप ले सकते हैं लावा ब्लेज 2 एंड अभी सेल में भाई लावा ब्लेज 2 सिर्फ 8,000 में मिल रहा है, तो ज़रूर से आप बाई कर सकते हैं 8,000 में. दैट्स ऑल. सो दोस्त देखते रहिए वीडियो को एंड तक एंड फिर आपको एंड में बताते हैं कितना बैटरी रन हुआ एंड कैसा परफॉर्मेंस दिया एंड जो भी हो टेम्परेचर भाई कितना ज़्यादा इसमें हीटिंग इशू देखने को मिलता है या नहीं. सो देखते रहिए एंड तक एंड वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड दोस्त मिलते हैं आपसे एंड में. सो गाइस फाइनली हमारा गेम हो चुका है कंप्लीट एंड उतना ज़्यादा हीट हाथ में नहीं फील रहा है. बाकी टेम्परेचर गन से देख लिया जाए सो 39.2 गया है मैक्स. सो भाई बहुत ही अच्छे से हीट को ये मैनेज करता है. लावा ब्लेज 2 से भी बेटर है. लावा ब्लेज 2 का फ्री फायर टेस्ट जरूर देखिएगा भाई. गाइस यहाँ पे बैटरी ड्रेन की बात करी जाए तो टाइम देख सकते हैं 1:09 हो चुका है. सो ये बैटरी ड्रेन किया 1 घंटे 10 मिनट में सिर्फ 15%, तो भाई बैटरी बैकअप काफ़ी लाजवाब ये प्रोवाइड कर देता है. सो गाइस फाइनली यहाँ पे आपने देख लिया कैसा ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, कैसा FPS प्रोवाइड करता है एंड हीटिंग इशू भी इसमें बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता है एंड बैटरी बैकअप भी भाई ये लाजवाब प्रोवाइड कर देता है. सो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा डिवाइस हो सकता है. लेकिन जल्दी भाई डिटेल कॉम्पेरिजन आएगा इन्फिनिक्स हॉट 30i वर्सेज लावा ब्लेज 2, जहाँ पर आपको मैं एक चूज़ करने को बोलूँगा एक डिवाइस ऐसा जो कि एक दूसरे से बेस्ट होंगे. थोड़ा तो डिफरेंस है ही क्योंकि इस लावा ब्लेज 2 में जो प्रोसेसर देखने को मिल जाता है वो थोड़ा बेटर है कंपेयर टू इन्फिनिक्स. सो वहाँ पे मुझे लगता है कि लावा ब्लेज 2 अच्छा वर्क करेगा. बट जल्दी वीडियो आएगी उसके बाद आप खुद से डिसाइड कर पाएंगे. मैं सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा देन आप इजीली चूज कर सकते हैं. सो दोस्त फिलहाल में इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस मिलता है आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए दोस्त बाय बाय.